तो हीरा गाना शुरू करते हैं। आ आ जापानी में लिखेंगे पहले ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, फिर इस तरह से आ, पहला, दूसरा, तीसरा, एक, दो, तीन, दोबारा से करते हैं इसको, एक, दो, तीन, एक, दो, फिर उसके बाद इस तरह से डंडा काटेंगे, फिर इसको ऐसे कर देंगे, हीरा गाना का आ इंग्लिश में इसको ए से डिनोट करेंगे, आ, ई, हीरा गाना का ई जिसको कि इंग्लिश में आई से डिनोट करेंगे, आई, आई को ई पढ़ेंगे, इसको कैसे बनाएंगे, ब्रैकेट का एक हिस्सा बनाना है, ये ब्रैकेट का एक हिस्सा हो गया, ब्रैकेट के बाद कोमा, ब्रैकेट कोमा, ब्रैकेट कोमा, ब्रैकेट कोमा, ब्रैकेट कोमा। अब इन दोनों शब्दों को मिलाकर शब्द बनाते हैं, एक आई, इसको कैसे पढ़ेंगे, आ ई, आई, इसका मतलब है लव, प्यार, आई। ऊ, हीरा गाना में ऊ कैसे बनाएंगे, ऊ के लिए इंग्लिश में यू, यू को ऊ पढ़ेंगे, इसको बनाने का तरीका है, पहले एक तिरछा डंडा ऊपर से, फिर कान, तिरछा डंडा कान, तिरछा डंडा कान, तिरछा डंडा कान, कान, तिरछा डंडा कान, कान जैसी शेप है इसकी, ऊ, कान। अब आते हैं ए पर, ए को हम कैसे डिनोट करते हैं, ई से, जब भी जैपनीज में हम लोग आ, ई, ऊ, ए, ओ, इसको हम पढ़ेंगे आ, इसको हम पढ़ेंगे ई, इसको हम पढ़ेंगे ऊ, इसको हम पढ़ेंगे ए, इसको हम पढ़ेंगे ओ, इस तरह बनता ए बनाने का तरीका है, ऊपर से नीचे डंडा आएगा एक, फिर उसके बाद जेड डंडा, फिर जेड डंडा, फिर जेड,
डंडा फिर जेड। अब इन दोनों शब्दों से मिलाकर बनाएंगे उए, उ ए। इसको हम कैसे पढ़ेंगे हिंदी में? उ वे, उए मतलब ऊपर, अबव, ऊपर। नानी नानी नो उए नी, नानी नानी का अरिमास। स्कूए नो उए नी पैन का अरिमास। ठीक है, उए, आ ई उ ए। अब हम आगे चलते हैं ओ पर। ओ को बनाते हैं किस तरह से? ओ को अंग्रेजी में ओ स्टूडेंट करेंगे। ओ बनाने का तरीका है, ये ओ को इस तरह से बनाएंगे। पहले एक डंडा तिरछा, हल्का सा ऊपर की तरफ जाते हो, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो, फिर उसके बाद नीचे, प्लस प्लस बनने के बाद इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे बनने के बाद इसको यहां से ऊपर की तरफ, एक दो ये, फिर यहां से ऊपर से नीचे, एक दो अब इसे एक नया शब्द बनाते हैं हम, आओई। पहले बनाएंगे आ, याद आया होगा आ, एक दो, सीधा डंडा काट के फिर उसको आ, ओ, ई, ये है आ, ये है ओ, ये ई, आओई मतलब ब्लू, नीला। आओई नीला, आओई सोरा नीला आकाश, आओई सोरा नीला आकाश। अब चलते हैं का की तरफ। का, का जापानी में कैसे लिखेंगे? के ए, का। का विल बी एक सीधा डंडा खींचना है, फिर ऐसे इस तरह से, फिर एक डंडा ऐसे का, एक दो तीन का। इसे नया शब्द बनाते हैं का, ओ का, ये हो गया ओ, काओ, काओ मतलब फेस, चेहरा, काओ चेहरा।
की कैसे बनाएंगे? पहले तिरछा डंडा एक, फिर दूसरा, फिर इसको ऐसे कर देना कि 1 2 3, 1 2 3 की। इसके साथ बनेगा सब आ की। आ की। आ की। आ की मतलब ऑटम, पतझड़। आ की पतझड़। कू, KU, कू। कू बनाने का तरीका है बहुत सिंपल है, एक बार में ही बन रहा है। एक डंडे पे किसी ने लात मार दी तो टेढ़ा हो गया कू। इसे शब्द बनाते हैं की कू, की कू, किकू, किकू। टू लिसन सुनना, किकू। ओकू ओकू, ओकू का मतलब टू पुट, रखना। ओकू ओकी मास, किकू किकी मास, इसका होगा किकी मास। ओकी मास, होनो ओकी मास, किताब रखता हूँ। ओंगाकुओ किकी मास, ओंगाकुओ किकी मास, म्यूजिक सुनूंगा या म्यूजिक सुनता हूँ। ओंगाकुओ किकी मास। के बनाने का तरीका है के ई को हम कैसे पढ़ेंगे के। इसको बनाते हैं पहले एक डंडा, फिर उसके बाद ऐसे, फिर प्लस जैसा है थोड़ा मुड़ता हुआ प्लस, एक तलवार टाइप से है। 1 2 3, तलवार टाइप से 1 2 3 के। तो हम इसको एक नया शब्द बनाते हैं इससे, ई के, ये हो जाएगा ई, ये हो जाएगा के। इके, इके का मतलब पोंड, तालाब, इससे सब सेंटेंस बना सकते हैं। इके नो नाकानी साका नागा अरिमास।
इकेनो नाका नी साका नागा अरिमास, मतलब तालाब के अंदर मछली है। के हो गया, अब को पे जाते हैं, दूसरी लाइन कंप्लीट हो जाएगी। को को बनाने का तरीका है, एक दो, एक दो, सिंपल। सीधा डंडा, उसको थोड़ा तिरछा कर देना है, कोण बनाना है, कोण। कोण बन गया, उसके बाद ऐसे एक दो, ठीक है। इसे सब बनाते हैं, को 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 मतलब यहां, हेयर को। बस बना इसको, को नी उनका अरिमास, कोकोनी होनगारी मास, यहाँ पर किताब है। कोए को ए को ए कोए मतलब वॉइस, कोई आवाज, कोई आवाज। तो अभी ये दो लाइनें हो गई, आ ई उ ए ओ, का की कू के को। अभी के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट उसमें। देवा माता।